नमस्कार, न्यूज 21 एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों। पीएम मोदी ने कहा, बीते 8 साल में 8 गुना बड़ी बायो इकोनॉमी, 5000 से ज्यादा स्टार्टअप बायोटेक से जुड़े। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 2 दिवसीय बायोटेक स्टार्टअप एक्सपो 2022 की शुरुआत। सीतापुर में आस्था के साथ खिलवाड़, शौचालय में लगाई देवी देवताओं की तस्वीर वाली टाइल्स तो गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में ग्राम पंचायत के बनाए गए शौचालय में देवी देवताओं की तस्वीर वाली टाइल्स लगाने का मामला सामने आया है, जिसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मोबाइल चोरी करने वाले शख्स की 4 लोगों ने पीट पीट कर की हत्या, 4 आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में मोबाइल चोरी के आरोप में एक शख्स की 4 लोगों ने पीट पीट कर हत्या कर दी। दिल्ली में आधुनिक गौशाला बनाएगी केजरीवाल सरकार, गोपाल राय ने बताया पूरा प्लान। खेड़ा डाबर में दिल्ली सरकार मॉडल गौशाला विकसित करेगी। मंत्री गोपाल राय ने खेड़ा डाबर की हरे कृष्णा गौशाला का जायजा लिया और 500 किलोवाट के सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन भी किया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में बड़ा अपडेट, पुलिस ने बठिंडा से 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पुलिस ने अब बठिंडा से केशव और चेतन नाम के 2 युवकों को हिरासत में लिया है। वहीं केशव की मां का कहना है कि उसने गलती की है तो वही भुगतेगा। कोरोना की डरावनी रफ्तार, लगातार दूसरे दिन 40% का इजाफा। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 7240 नए केस सामने आए हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 7240 नए मामले देखने को मिले हैं। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। मध्य प्रदेश के बालाघाट में जहरीली गैस के रिसाव से 5 की मौत, सीएम शिवराज सिंह ने जताया शोक। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कुएं की सफाई के दौरान जहरीली गैस के रिसाव के कारण 5 युवकों की मौत हो गई, जिस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गहरा शोक व्यक्त किया। स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की ईडी कस्टडी बढ़ी, 13 जून तक हिरासत में भेजा, कोर्ट से निकलते ही तबियत बिगड़ी। ईडी की टीम दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को लेकर राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंची। कोर्ट ने जैन को 13 जून तक ईडी की कस्टडी में भेज दिया है। मंत्री को ईडी ने 30 मई को गिरफ्तार किया। सुरक्षा बलों के हाथ लगी एक और बड़ी सफलता, शोपिया में हुई मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने शोपिया में हुई मुठभेड़ के दौरान एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी हिजबुल मुजाहिदीन के जिला कमांडर का करीबी था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, 10 दिन पहले पंजाब पुलिस ने कनाडा से मांगा था गोल्डी बराड़ का प्रत्यर्पण। मूसेवाला की हत्या से 10 दिन पहले यानी 19 मई को पंजाब पुलिस ने सीबीआई को रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भेजा था, जिससे कि गोल्डी बराड़ को भारत लाया जा सके। पाकिस्तान के मशहूर टीवी होस्ट और सांसद आमिर लियाकत की मौत, पाकिस्तान के सांसद आमिर लियाकत हुसैन को कराची स्थित उनके घर पर मृत पाया गया। झारखंड के गुमला में दुष्कर्म के 2 आरोपियों को ग्रामीणों ने जिंदा जलाया, एक की मौत दूसरे की हालत गंभीर। देश भर में रेप की बढ़ती वारदातों के खिलाफ लोगों में किस कदर गुस्सा और बदला लेने की भावना पनप रही है, इसकी एक वानगी झारखंड के गुमला जिले में बुधवार को देखने को मिली। योगी सरकार ने मंकी पॉक्स को लेकर जारी किया अलर्ट, हर मेडिकल कॉलेज में बनेगा 10 बेड का वार्ड। कोरोना वायरस की गति में ब्रेक लगने के बाद कई देशों में मंकी पॉक्स के केसों को देखते हुए योगी सरकार ने संक्रमण को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। नवाब मलिक और अनिल देशमुख को झटका, कोर्ट ने राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की नहीं दी इजाजत। नवाब मलिक और अनिल देशमुख ने कोर्ट से राज्यसभा चुनाव में वोटिंग की इजाजत मांगी थी, अदालत ने दोनों नेताओं की याचिका खारिज कर दी। अब यूजर इंस्टाग्राम पर भी ट्विटर और फेसबुक की तरह कर पाएंगे पोस्ट को पिन। इंस्टाग्राम के नए फीचर से अब यूजर्स अपने किसी 3 रील्स या पोस्ट को पिन कर पाएंगे। रील्स या पोस्ट पिन करने के बाद वह रील या पोस्ट हमेशा उनके टाइमलाइन पर सबसे ऊपर दिखेगी। अगली खबर मध्य प्रदेश से है। असदुद्दीन ओवैसी का ऐलान, मध्य प्रदेश की इन 7 सीटों पर नगर निकाय चुनाव लड़ेगी AIMAM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ऐलान किया है कि पार्टी इंदौर, भोपाल, जबलपुर, खरगोन, बुरहानपुर, रतलाम और खंडवा नगर पालिकाओं समेत मध्य प्रदेश के 7 नगर पालिकाओं में नगर निकाय चुनाव लड़ेगी। मध्य प्रदेश के शाजापुर में महिला सिपाही से परेशान होकर SI ने की आत्महत्या, सुसाइड नोट भी बरामद। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक सब इंस्पेक्टर ने महिला आरक्षी की ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर आत्महत्या कर ली, पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी बरामद। बेदर्द पेरेंट्स का कारनामा, हाथ पैर बांध तेज धूप में बच्ची को छत पर छोड़ा। दिल्ली के एक खजूरी खास में छत पर तेज धूप में हाथ पैर बंधी एक बच्ची के छटपटाने का वीडियो वायरल हुआ। होमवर्क ना करने पर मां ने दिल दिला देने वाली ये सजा दी। न्यूज 21 एक्सप्रेस पे आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज 21।